सर बहुत बुरी हालत हो रखी है, सोमवार से पानी में डूबे हुए हैं और अब तक कोई तरह का सुनवाई नहीं है। बहानेबाजी ज़्यादा हो रही है, सरकार बहाने पर प्रशासन बहाने कर रहा है, पानी निकासी का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक आपने देखा होगा पंप लगा रखे हैं, दो पंप, वो दो पंप अगर चार दिन भी लगे तभी भी इस पानी का सोल्यूशन नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है जो प्रशासन को बता चुके हैं हम लोग कि यहाँ से नाला, ये जो खेत है, खेत की ज़मीन है जिसमें किसी का मकान नहीं है, उसमें से एक लाइन खोद के, नाला खोद के पानी निकाल सकता है। खेत वाला बोल रहा है कि मुझे मुआवजा दोगे तो मैं निकालने दूंगा। तो सरकार अगर हमारे घर गिरने की स्थिति में है, हमारे जब घर गिर जाएंगे तभी भी तो मुआवजा देगी, तो पहले ही दे दो ना मुआवजा देना है तो। और जब इतना खर्चा लगा रही, इतना लेबर लगा रखा है, इतना डीजल जला रहे, पंप चला रहे, उसका भी तो खर्चा आ ही रहा है, वो खर्चा उस खेत के मुआवजे में दे दो, नाला निकल जाएगा, दो घंटे में पानी का सोल्यूशन। विजयेंद्र सिंह, सोमवार मंगलवार से रोज बरसात हुई और बरसात के कारण आज आप स्थिति तो आप देख सबके सामने ही है कि पानी पूरा घरों तक, घरों के अंदर तक भरा हुआ है। और आज आर्मी की वोट भी लगी है जो खाद्य सामग्री पहुंचा रही है और उनको आज बाहर बाहर निकलने की समस्या हो रही है और घरों के अंदर पानी चला गया जिससे लोगों की आवाजावन में समस्या हो रही है। लाइटें नहीं है तीन दिनों से, खाद्य सामग्री की समस्या हो रही है और अब चाय पानी के बनाने के लिए भी आज से आवश्यकता पड़ रही है तो वो बना नहीं सकते। और आज रोड के ऊपर इतना पानी भरा हुआ है जिससे प्रशासन और आर्मी भी यहाँ सहायता के लिए लगी हुई है। जैसे तीन चार वो पानी पाइप तो लगे हुए हैं सुल्तानगर में, न्यू रूपनगर में तो स्थिति न्यू रूपनगर के अंदर यही स्थिति बनी रही तो अब आगे भी बरसात होने की आशंका दिख रही है। तो इसके लेके सरकार से आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके वो की जाए।